देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम दोस्तों। 11-12 दिन पहले एक ऑडियो टेप सामने आया था जिसमें सांसद मेनका गांधी ने हमारे डॉक्टर को फोन करके इतना बुरा भला कहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसके बाद से वेटनरी डॉक्टर समाज इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मेनका गांधी इन डॉक्टरों का सामना नहीं कर पा रही, वो भाग रही, वो इनके सामने नहीं आना चाहती। लेकिन मुझको पता है वेटनरी डॉक्टर्स की इस एकता को देखकर मैडम मेनका गांधी को रात में नींद नहीं आती होगी। नींद नहीं आती होगी ठीक है, लेकिन मैडम मेनका गांधी, देश के वेटनरी डॉक्टर आपसे पूछ रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको अपने डॉक्टरों के साथ हुए वार्तालाप को लेकर शर्म आती है तो माफी मांग लीजिए। और सच सच कहूं तो ऐसा ही चलता रहा तो ये आंधी तूफान बन जाए और फिर आपसे संभाले नहीं समझे। अभी माफी पर मामला निपट सकता है, लेकिन दिन ज्यादा बीत जाने के से डॉक्टर आपकी वाणी को भूल नहीं जाएंगे। आपकी वाणी में जो मधुरता है ना मैडम, उसको आपको म्यूट करना होगा, क्योंकि बेजुबान जानवरों से ये वेटनरी डॉक्टर जितनी हमदर्दी जितना प्यार रखते हैं ना उतना आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी सोच शर्मनाक है। तो ऐसे में मैं आज मैडम मेनका गांधी से सिर्फ पांच, आज रात सिर्फ पांच सवाल पूछता हूं। नंबर वन, मेनका गांधी जी, आपको गाली देने में शर्म नहीं आती तो माफी मांगने में क्यों आती? नंबर टू, मेनका गांधी जी, आपकी चुप्पी बताती है कि आपकी जितनी भी क्लिप्स वायरल हो रही हैं वो सच, ऐसे में क्या आप यही मानसिकता, मतलब पिता माली होगा ड्राइवर होगा तो वो पढ़ लिख नहीं सकता, क्या आपकी मानसिकता? नंबर तीन, आप अपने घर में काम कर रहे माली और ड्राइवर को क्या समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा या इंसान, सच सच बताओ। नंबर चार, मेनका गांधी जी, 30 साल की पढ़ाई लिखाई के बाद इंसान वेटनरी डॉक्टर बनता है और आप उसको 2% का आदमी बोल देते, आपकी एजुकेशन क्या है, आज पूछ रहा हूं। नंबर पांच, मेनका गांधी जी, आपको ऐसा किसने बोला कि देश में जानवरों के इलाज और उनकी देखरेख कट्टे का आपको मिला और आप किसी भी डॉक्टर पर हमला कर सकते, किसने बोला भाई? ये पांच सवाल थे। नेताओं के बिगड़े बोल और बेकाबू जुबान के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन आज अपने इस महाअभियान की सीरीज में हम एक बार फिर आपको सुनाने जा रहे हैं एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की ऐसी भाषा जिसने शालीनता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद मेनका गांधी जितना अपने पशु प्रेम के लिए जानी जाती हैं, उतना ही वो पशुओं के चिकित्सकों के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए भी जानी जाती हैं। इस बार मामला एक बार फिर गर्म है, क्योंकि इस बार उन्होंने जिस तरह से एक डॉक्टर के साथ फोन पर बात की वो शर्मनाक है, और वो बताता है कि मेनका गांधी को अगर अब भी ना रोका गया तो वो कल को डॉक्टरों पर हमला भी कर सकती हैं। मेनका गांधी की बोली भाषा किसी भी लिहाज से एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि की भाषा नहीं लगती। हम आज भारत एट नाइन में एक बार फिर उनकी सभी ऑडियो क्लिप्स को एक बार फिर प्रसारित कर रहे हैं। उनकी ऑडियो क्लिप्स प्रसारित करने का एक ही मकसद है कि उनको एहसास दिलाया जाए कि उनकी भाषा शर्मनाक ही नहीं बल्कि अमर्यादित है। आप ऑडियो क्लिप्स को सुनिए। हेलो हेलो, नमस्कार मैम, आप डॉक्टर हैं या क्या है? मैं डॉक्टर सुधांशु मंसल बात कर रहा हूँ मैम आपसे। मैं आपकी लाइसेंस अब लेने वाली हूँ, बताइए। मैम आप मेरी बात तो सुनिए, उसको किडनी फेसबुक पर आपने कम से कम 20-30 इस तरीके से जानवरों को मारा है, आपको एक टका कुछ मिल नहीं है, ये आपके ऊपर क्रिमिनल केस अब लगने वाला है। उसका किडनी का क्रिएटिनिन लेवल हाई आया था। तो फिर आपने एंटीबायोटिक क्यों दिया कम वक्त? मैम एंटीबायोटिक तो उसको बहुत माइल्ड एंटीबायोटिक था। क्यों एंटीबायोटिक दिया जब उसके पास किडनी प्रॉब्लम्स थे? आप पागल तो नहीं है इतने सारे इंजेक्शन एक साथ देना? आप पागल है क्या? नहीं मैम, कभी भी आइवरमेक्टिन एंटीबायोटिक ये सब एक साथ नहीं दिया जाता, कभी भी नहीं। मैं भी अस्पताल चलाती हूँ, कभी इंजेक्शन नहीं देते स्किन एलर्जी में, पागल आदमी।
बकवास, और उसके ऊपर से बोल रहे हो कि किडनी फेलियर था। बेवकूफ आदमी, मैं तुमको 24 घंटे देती हूँ, तुम अपना बंद कर दो, क्योंकि फेसबुक पर तुमने पता नहीं कितने जानवर मार चुके, कितनी शिकायत है तुम और तुम्हारे भाई की। हाँ, तुम लोग चौराने के लोगों, किसी को पतन डिग्री भी रही है कि नहीं है? तुम्हारा भाई क्या है, वो भी डॉक्टर है? हाँ जी मैम, दोनों भाई डॉक्टर हैं। तो तुम दोनों चोरों की मंडली चलाते हो क्या? किसने तुमको बोला था उसको बकवास देने के लिए, जिससे उसका अक्यूट किडनी फेलियर हुआ? मैम, इंजेक्शन से कहीं भी टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है किडनी फेलियर होता है। बिल्कुल होता है बेवकूफ, इसका मतलब तुमको कुछ मालूम नहीं, अक्यूट किडनी फेलियर होता है? नहीं, पागल हो तुम, पागल हो तुम और तुम्हारे भाई, एक नंबर के चोर हो। कुल मिलाकर के कितना लिया तुमने? कुल मिला के 5 to 7 thousand, मेडिसिन भी दिया। 5 to 7 thousand कुत्ते को मारने के लिए? सब पैसा वापस दो एकदम। हेलो हेलो, आप डॉक्टर पीडी जैन बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, प्रणाम। मैं मेनका गांधी बोल रही हूँ। अरे प्रणाम प्रणाम। अभी तक आपने वो बंदर को क्यों नहीं उठाया विवेकानंद हॉस्पिटल से? मैम, ये बंदर तो मेरे हॉस्पिटल पे है, उठाने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से मतलब होता है। मेरा ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल है। वेटनरी डॉक्टर है ना? जी मैम। आप क्या है, वहाँ के सीवीओ हैं? नहीं सीवीओ नहीं। आपको नौकरी नहीं चाहिए क्या? आपको नहीं चाहिए नौकरी? आप जरा मुझे बता दीजिए, क्योंकि नौकरी नहीं चाहिए तो हम आपको मुरादाबाद से हटा देते। मैम अभी शाम को फोन आया था किसी का, तो मैंने आपका फर्ज होता है जानवरों का ट्रीटमेंट, चाहे वो केवल कुत्ते और गाय नहीं, कोई भी जानवर। जी मैम, मैं आप उठाइए उस जानवर को अभी। मैम ट्रीटमेंट में कर दूंगा। आप रखने की व्यवस्था आपके अस्पताल में होगी, समझ गए? आपके पास अस्पताल है कि नहीं है? नहीं मैम, हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ कोई स्टाफ नहीं रहता मैम। मुझे परवाह नहीं है, आपको इसको उठाना चाहिए था, और अगर आप नहीं उठाएंगे, आपने पहले भी मुझे बहुत तंग किया है पीडी। मैम ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर रिटायरमेंट के नजदीक है तो मैं आपके ऊपर अभी सीआईडी का केस लगा देती हूँ। आपके सारे रिटायरमेंट के फंड मैं बंद करवा देती हूँ। पीडी जी चुप रहो जब मैं बात करती हूँ। उठाओ उस जानवर को अभी जी, और फिर देखिए, अगर शायद वहीं छोड़ना पड़े, अगर एक कोने में जी वहाँ ले जाए, उसको खाना देना, उसको ड्रिप देना है। वो क्यों पड़ा हुआ है? और आपको जब कहा गया तो चूते की तरह आप क्यों नहीं काम करते हैं? मैम अभी शाम को फोन आया था किसी का मेरे पास, तो आपने फोन कहा करा उसके बाद? अभी फोन आया था मेरे पास, तो वो एकदम लेके आया, कुछ नहीं किया उसके बाद। वो कह रहे हैं हॉस्पिटल लेके आया, किसी ने ये नहीं बोला? नहीं, पीडी जैन मुझे ये बकवास सुनना नहीं है। नहीं, अभी अभी और एक घंटे में आप मुझे फोन करेंगे? जी ठीक है मैम। नहीं उसके बाद गिविंग यू वन ऑप्शन आउट मैम, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इफ यू डोंट शट अप यू जस्ट सी आई सेंड द पुलिस राइट नाउ एंड पिक यू अप। नहीं नहीं, उसके बाद मैम डॉक्टर नेहरू के पास भी गए थे। डॉक्टर नेहरू ने कहा इतना घटिया काम उन्होंने कभी देखा नहीं। ई कॉलर है मैं कह रही हूँ, तुमने ई कॉलर डाला या डी कॉलर डाला? सवाल ये है कि वो स्टिचेस खुल गए एक नहीं दो दफा, और दोनों दफा तुमने पैसे लिए। मैंने मैडम आदमी की दोबारा भी करते हुए तुमने 4,000 रुपए मांगे। मैं बात करता हूँ। किससे बात करोगे? मैं अभी अभी कलेक्टर से बात करने वाली हूँ 5 मिनट में। तुम वेट चार आने के 2 टके के लोग, ऑपरेशन करना नहीं आता, चीप चीप इस्तेमाल करते हो हर चीज, पैसे लेते हो हजारों में। इन्फेक्शन लग गया क्योंकि इतनी 2 दफा वो निकल चुके थे, दोनों दफा तुम्हारी वजह से। डॉक्टर अपने आप को कहते हो, मानने के लिए तैयार नहीं हो कि गलती तुमने की। और अभी मैं उमेश शर्मा से बात करने वाली हूँ, तुम्हारे जैसे चोर बदमाश चकुग है ही नहीं। अब यह बताओ कि अभी तक आई वॉन्ट दैट मनी सेंट टू देम, स्टूडेंट है वो लड़का, मैं जानता तुमने उनको लूट लूट करके तबाह किया। You will send them the money by check right now. Do you understand? अगर तुम एक दफा बोल दे कि मेरे पास मेरे से गलती हो गई तो मैं शायद माफ भी करती। तुम अभी तक बोल रहे हो नहीं मैंने ई कॉलर लगा दिया, मैंने ई कॉलर, ई कॉलर से क्या मतलब है भाई? हेलो मैडम नमस्ते, ये लाइसेंस आपका मैं ले लूं और खत्म करें मैं? बोलिए। नहीं मैडम। इतने यूजलेस गड़ी फूल आदमी हो तुम। ये एक औरत ने तुमको 5 कुत्ते भेजे हैं, उसमें से एक भाग गया,
हाँ, दो स्टिचेस के स्टिचेस हील नहीं हुए, एक दो प्रेग्नेंट है। हाँ, ये उनके सारे कान इस तरीके से कटे हैं कि उनके पास ईयर इन्फेक्शन हो गया और फीवर हो गया। हाँ, नहीं मैम, मैं अभी तेरी लाइसेंस लेकर के रखूँ, नहीं समझे? नहीं 2 तारीख को मैडम हमने उनके 3 कुत्ते लाए थे, 3 फीमेल थे, उनका 4 तारीख को ऑपरेशन हुआ था और उनका रिलीज 17 तारीख को हुआ था। नहीं मैडम, नहीं गलत, मैं बंद कर दूँ तुम्हारे सेंटर को, मैं बंद करने वाली हूँ और तुम्हारा लाइसेंस चले जाना चाहिए। तुमने ही ऑपरेट किया ना? जी मैडम। तो इतने हो तुम, क्यों ऑपरेट किया तुमने? 2 तारीख वाला, वो सब अच्छे हैं, अभी 13 तारीख का उनका जो पेंडिंग है उसके साथ में भेजने का प्लान। 2 तारीख का, अभी तक क्या तारीख है? 28 तारीख। हाँ। तो 26 दिन के लिए क्यों रखा है? उसका स्टिचेस का स्टेटस मैं आपको बोलता हूँ मैडम, क्योंकि तुम घटिया सूचर्स इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, उसके साथ तुमने ये कान, तुमको काटना नहीं आता तो मत काटा करो। नहीं मैडम, नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन आया है इसकी। उसको फीवर भी था, उसका कान भी उसका ठीक से नहीं किया। पूरे मैं तुमको बता रही हूँ, यह आखिरी दफा तुमको वार्निंग दे रही हूँ शिल्के। यस, तुम एक यूजलेस डॉक्टर हमेशा थे। नहीं मैडम, नहीं, आपको गलत, अभी तुम नहीं, तुम बंद करो अपना एबीसी, बंद करो अपना एबीसी और पहले उसको रिपेयर करवाओ और उसके बाद कुछ कराओ। सारे कुत्ते वापस चलो। यस मैडम, आपको यूजलेस ब्लडी फूल। मेनका गांधी की इस भाषा के सामने आने के बाद से ही उनका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है, लेकिन अहंकार में सांसद मेनका गांधी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वेटनरी डॉक्टर्स जहां विरोध करते हुए हड़ताल भी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं और तो और उनके समर्थन में उन्हीं की पार्टी के विधायक भी उनका ट्विटर पर विरोध कर रहे हैं। वहीं ट्विटर पर रोज लाखों ट्वीट तैर रहे हैं जो बस एक मांग कर रहे हैं कि मेनका गांधी माफी मांगो। अब अगर हमारे राजनेताओं को गाली गलौज करने में शर्म नहीं आती तो माफी मांगने में शर्म क्यों आ रही है? सोचने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वैसे ऐसी सोच जिसकी हो जैसी हमारी माननीय सांसद मेनका गांधी जी की, तो वो वेटनरी डॉक्टरों से क्या माफी मांगी? वेटनरी डॉक्टरों को अपना इंसाफ खुद लेना होगा, खुद लड़ाई लड़नी होगी, इंसाफ छीन कर लेना होगा। एंड इफ दिस इज अ वॉर, आई एम इन द वॉर एंड द वॉर इज ऑन। और कुछ लोगों को मिर्ची लग रही कि मैं क्यों इस मुद्दे के पीछे पड़ गया हूं। मुझसे कह रहे हैं कि मैडम FIR करवा देंगी, मैडम ये कर देंगी, मैडम वो कर देंगी। तो सुनिए, अगर मैं FIR से डरता तो कब का इस मुद्दे को छोड़ चुका होगा। लेकिन हम आज भी वेटनरी डॉक्टर्स के साथ खड़े, हम आज भी उनके आत्मसम्मान के लिए खड़े। और जो लोग कहते हैं ना कि कहां तुम, किस वेटनरी डॉक्टर के मसले में पड़ रहे हो, तो मैं उनको बता दूं कि कावेंद्र चौहान कोई पीपल के पेड़ का पत्ता नहीं जो पहली हवा के झोंके में टूटकर गिर जाए। और हां, मेरे लिए यह कोई सिर्फ वेटनरी डॉक्टर्स का मसला नहीं है, मैं हर उस व्यक्ति के लिए लड़ूंगा जिसकी आवाज को दबाया जाता है। आज नहीं तो कल बदलाव आएगा और बदलाव जरूर आएगा। मैं भी यही हूं, मैं भी देखता हूं और आप भी देख लीजिए। मैं भारत की बात करता हूं और ईमानदारी के साथ करता हूं और करता रहूंगा। और रोजाना, रोज 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 रात को, जब तक मैडम मेनका गांधी आप माफी नहीं मांग लेते, मैं रोज रात को आपकी ऑडियो क्लिप यूं ही प्ले करता रहूंगा, बार बार क्लिप प्ले करूंगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, रोज रात 9 बजे Bharat@9 में मैं आपकी ऑडियो क्लिप प्ले कर दूंगा। माननीय सांसद मेनका गांधी जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांग लीजिए। ये बहुत भले लोग हैं, आपको माफ करो, लेकिन जिस तरीके से आपका रवैया है वो ठीक, और अगर ऐसा ही रवैया रहेगा तो फिर कल को हम बीजेपी से सवाल करें कि वो आपको सैक क्यों नहीं कर रहे, क्यों अभी तक आपको पार्टी में रखा हुआ है जब आपकी मानसिकता ही है, जब आप लोगों को मॉस्किटो समझते हैं, कैसे और क्यों? खैर, अब ये ज्यादा नहीं चल पाए, इट्स टाइम अप फॉर VVIP रेसेस। And I'll fight till last. So this is it for today. See you tomorrow. Good night.